इस वीडियो में बात कर रहे हैं लक्ष्य विधानसभा क्षेत्र की 34 नंबर की विधानसभा है ये। और इससे पहले कि हम 2022 की ताजा समीकरणों पर आए, फटाफट एक नजर डाल लेते हैं इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर। 2002 में 2007 में लगातार यहाँ से प्रणव सिंह चैंपियन विजयी हुए हैं। 2002 में वो निर्दलीय लड़ रहे थे और 2007 में वो कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से लड़ रहे थे। 2012 में यहाँ से जीते हैं संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और 2017 में यहाँ से जीते हैं फिर से संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2002 में उन्होंने हराया है बीएसपी से हाजी तस्लीम अहमद को, और 2017 में उन्होंने हराया है कांग्रेस से हाजी तस्लीम अहमद को। और 2022 की ताजा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 में लक्सर सीट में रोचक समीकरण यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम पहले बात करते हैं यहाँ के प्रत्याशियों की, तो यहाँ पे 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से जो सिटिंग विधायक है संजय गुप्ता वो यहाँ पे प्रत्याशी बने हुए हैं। कांग्रेस से अंतरिक्ष सैनी यहाँ पे प्रत्याशी हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद यूसुफ को यहाँ पे टिकट दिया है, बसपा ने यहाँ पे शहजाद को टिकट दिया है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे डॉक्टर भगवान दास राठौर को यहाँ पे टिकट दिया है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने यहाँ पे अजय को टिकट दिया है, आजाद समाज पार्टी कासीराम ने यहाँ पे हाजी तस्लीम अहमद को यहाँ पे टिकट दिया है। इसके अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने यहाँ पे भाग्य आजमा रहे हैं, धर्मराज, मुर्सलीन, मेहर सिंह और रेणु कश्यप। तो ये 4 निर्दलीय भी यहाँ मैदान में है। इस तरीके से ये 11 जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे अपना भाग्य आजमा रहे हैं, यहाँ पे चुनावी जंग में डटे हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे टक्कर की बात करें तो यहाँ पे सीधी टक्कर जो है वो बसपा और भाजपा के बीच में देखने को मिल रही है। बसपा से यहाँ पे शहजाद हैं और भाजपा से यहाँ पे सिटिंग विधायक संजय गुप्ता हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अंतरिक्ष सैनी, वो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं, इतने प्रभावशाली नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों जो पार्टी हैं इनकी सीधी टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हम देखें तो पुराने जो चुनाव है 2017 का या फिर 12 का चुनाव हुआ है, तो उसमें भी यहाँ पे बसपा और भाजपा की ही यहाँ पे टक्कर देखने को मिली थी, और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है। जी, यहाँ से 2007 में जब से यहाँ से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने इस सीट से चुनाव लड़ना छोड़ करके खानपुर विधानसभा से लड़ना शुरू किया है, तब से कांग्रेस अपना वजूद तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ 2012 में हाजी तस्लीम अहमद जो दूसरे स्थान पर थे बहुजन समाज पार्टी से, तो कांग्रेस ने उनको अपने खेमे में शामिल कर लिया 2017 में, लेकिन उसके बावजूद ये सीट कांग्रेस के खाते में जा नहीं पाई। वो लगातार यहाँ पर पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी काबिज है इस सीट पर। बिल्कुल, और एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि केवल चैंपियन के अलावा कोई इनका प्रत्याशी यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ। कभी हर विधानसभा में इन्होंने प्रत्याशी अपना बदला है यहाँ कांग्रेस ने, तो कहीं कहीं इसका नुकसान भी यहाँ पे देखने को मिला। और जो हाजी तस्लीम अहमद हैं वो भी लगातार यहाँ पे पार्टी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2012 में वो पहले बसपा से लड़े, फिर उसके बाद 2017 में कांग्रेस से लड़े, और इस बार वो आजाद समाज पार्टी से यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ना कांग्रेस ने यहाँ पे किसी को अपना मजबूत प्रत्याशी बनाया और ना यहाँ पे हाजी तस्लीम अहमद अपने आप को सिद्ध कर पाए किसी एक पार्टी के बने रह पाए। लेकिन यहाँ पे संजय गुप्ता लगातार 2 बार यहाँ पे चुनाव जीते हैं, और इस बार उनका हैट्रिक चांस है। क्या वो हैट्रिक चांस मार पाते हैं, ये नहीं मार पाते हैं, या बसवा उनका इस बार रथ रोकती है, ये देखना होगा। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता अरुण कश्यप जी। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हाजी तस्लीम अहमद पिछले 2 विधानसभा चुनाव से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस सीट से वो विधायक चुने जाएं, और 2017 में वो काफी कम वोटों से यहाँ से हारे हैं, बहुत क्लोज मार्जिन पे यहाँ से हारे हैं संजय गुप्ता से। तो क्या आपको लगता है कि इस बार हाजी तस्लीम अहमद बाजी मार पाएंगे इस सीट से? जी नहीं सर, यदि यहाँ लक्सर विधानसभा क्षेत्र में बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, और यहाँ अगर सीधी टक्कर की बात की जाए तो भाजपा के संजय गुप्ता और बीएसपी के मोहम्मद शहजाद यहाँ सीधा आमने सामने की टक्कर में नजर आ रहे हैं। और हाजी तस्लीम को इस बार जो है वो काफी प्रयासरत थे, टिकट की दावेदारी में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो उन्होंने जो है आजाद समाज पार्टी से इस बार ताल ठोकी है। और देखिए, हाजी तस्लीम की यदि बात की जाए तो एक बड़ा उनका वोट बैंक है जो सुल्तानपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, और यही जो वोट बैंक है ये एंटी बीजेपी होने की वजह से इस बार हाजी जो ये मोहम्मद शहजाद है उनके पाले में जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस बार हाजी तस्लीम है वो जो विजयरथ है मोहम्मद शहजाद का बीएसपी उम्मीदवार का, उसे कहीं ना कहीं रोकते, उसमें अड़चन बनते नजर आ रहे हैं। जी जी मनोज, अरुण जी, अगर हम बात करें यहाँ पे संजय गुप्ता की, तो 2 बार लगातार विधायक रहे हैं, अनुभवी हैं। लेकिन अगर हम बसपा प्रत्याशी की शहजाद की बात करें तो वो कितने पावरफुल हैं उनके सामने?
जी बिल्कुल, यदि हाँ अगर बात की जाए संजय गुप्ता की, तो वो अपने विवादित बयानों के चलते यहाँ उनका काफी विरोध भी जो है पिछले दशक में यहाँ जो है काफी बना है, और जो उनके विरोधी खेमा है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को हमेशा कैश किया है। छोटा बिरयानी का विवादित बयान हो, या हाल ही में उन्होंने जो अपने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गद्दार होने का आरोप लगाया है उसकी बात करें, तो ये सबसे भी कहीं ना कहीं आरोप हैं जिन्हें विपक्षी पार्टियां जो है कैश करती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ जो है और बात अजय वर्मा की जाए, जो आरजेपी से यहाँ चुनाव भी मैदान में है, तो वो भी कहीं ना कहीं संजय गुप्ता के लिए घातक साबित सिद्ध होंगे, क्योंकि वो जो है भाजपा के एक बड़े कैडर वोट को काटने में शायद सफल हो जाए। जी जी मनोज, तो ये संजय गुप्ता, आपको क्या लगता है कि ये अपनी जीत को तीसरी बार दोहरा पाएंगे इस विधानसभा सीट से? देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं, अभी 14 तारीख को, 14 फरवरी को चुनाव चुनाव हुए थे यहाँ, तो उसके बाद देर रात उनका एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें उन्होंने अपने जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, उन पर सीधा आरोप लगाकर उनको गद्दार कहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर उनकी वीडियो को देखें तो वो कहीं ना कहीं अपनी हार मान चुके हैं, जैसा उन्होंने बताया कि मेरी हार के लिए यहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जो है खुद अपने हार मान चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको जो है कहा जा रहा है कि वो जो है जीत भी सकते हैं। जी जी मतलब मनोज, इसका मतलब जो वो वीडियो है, जो आरोप लगा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है कि यहाँ पे भीतरघात हुआ है भाजपा के अंदर में? जी जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर यहाँ जो जैसा संजय गुप्ता ने कहा है, बड़े पैमाने पर भीतरघात हुआ है, और उसके बाद जो है भाजपा को एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है, उसके बाद भाजपा हाईकमान ने सीधे तौर से जो है कार्रवाई करते हुए चार जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनको निष्कासित भी किया है बीजेपी से। जी मनोज, जी, तो जातिगत वोट बैंक की अगर बात करें इस विधानसभा सीट पर, तो आपको यहाँ बहुजन समाज पार्टी की पकड़ ज़्यादा लगती है? यहाँ पे किस समुदाय का वोट प्रभावित करता है कि कौन विजयी होगा इस विधानसभा सीट से? देखिए मैं आपको बता दूं, ये विधानसभा सीट जो है ये मिश्रित कहीं आबादी वाला क्षेत्र है, इसमें कुछ एरिया जो है गुज्जर बाहुल्य हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, और जो है दलित वोट बैंक है वो भी जो है यहाँ अच्छा खासा है। इसके बाद कुछ जो नई कॉलोनियां विकसित हुई है वहां पहाड़ी वोट बैंक भी काफी बड़ी संख्या में है, कुल मिला के मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। यदि हमारे आंकलन के हिसाब से देखा जाए, जो देवभूमि की टीम ने यहाँ सर्वे किया है पूरे लक्सर विधानसभा क्षेत्र में, गांव गांव गई है, कई लोगों से हमने जो है साक्षात्कार किए हैं, तो हमें लग रहा है कि मोहम्मद शहजाद बीएसपी से जो है वो काफी मजबूत स्थिति में यहाँ है और जीत के काफी करीब भी माने जा रहे हैं। जी हम अगर वोट परसेंट पर नज़र डालें तो 2002 में इस क्षेत्र में 73.22% वोट पड़े थे, 2007 के चुनाव में 71.95% यहाँ पे वोट पड़े थे, 2012 में यहाँ पे 82.84% वोट पड़ा था, 2017 में यहाँ पे 81.94% वोट पड़ा था, और 2022 में 79.51% यहाँ पे वोट पड़ा है। तो अरुण जी, आप किस तरफ देखते हैं इस बार? वोट कुछ कम भी हुआ है, आप किस तरफ देखते हैं, किस तरफ रुझान नजर आ रहा है इस वोट परसेंट का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पंकज, यहाँ जो है हालांकि हर बार लक्सर विधानसभा सीट पर बढ़ चढ़कर मतदाता जो है अपना वोट देते हैं, और इस बार भी ये कहीं देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित क्षेत्र थे जहाँ संजय गुप्ता ने विकास नहीं किया, जहाँ वो कुछ इलाके ऐसे हैं जो हमने हमारे देवभूमि की न्यूज की टीम ने जो है सर्वे किया है, वहाँ कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संजय गुप्ता जा नहीं पाए। विधानसभा क्षेत्र लक्सर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो एक हिंदू आबादी क्षेत्र है, एक हिंदू वोटर है, तो वो कहीं ना कहीं संजय गुप्ता से नाराज तो था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मोहम्मद शहजाद को भी वोट दिया जाए, तो इस बार कहीं ना कहीं उनमें जो है निरस्ता रही है वोट को लेकर, और कुछ कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया। मतलब जो जी जी ये बात उठी है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली बात जो भाजपा कर रही थी, या तुष्टीकरण वाली बात कर रही थी कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं संजय गुप्ता को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? यदि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनाने की करें, और जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां हैं उनको जो है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो बीजेपी के नेता हैं वो स्थानीय स्तर पर उठाने में काफी कामयाब होते नजर आए हैं, और इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं संजय गुप्ता को मिलेगा।
कांग्रेस इस बार लक्सर विधानसभा सीट के चुनाव में कुर्सी की दौड़ से बाहर होती हुई नजर आ रही है, और ये मुकाबला सीधा सीधा बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं एक तरफ ये नुकसान होता दिख रहा है कि संजय गुप्ता दो बार से वहां से सिटिंग विधायक हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ हो सकती है, काफी नाराज भी रहा है भारतीय जनता पार्टी का वोटर वहां पे इनसे, और बहुजन समाज पार्टी के जीतने के आसार वहां पे एक अच्छा खासा हिंदू वोट बैंक होने की वजह से कितने बन पाएंगे तो बड़ा ही रोचक ये परिणाम होने वाला है। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, हम सभी को इंतजार रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।